नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। शहीद सैनिक दीपक सिंह को दी गई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। वहीं आपको बता दें, गायघाट पुल के पास एक बस की ठोकर से एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी। दीपक सिंह भारतीय आर्मी के जवान थे। दीपक सिंह गायघाट चौक होते हुए अंतिम दर्शन यात्रा निकाली गई। वहीं ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी दिख रहा था। जिस बस से दीपक सिंह की मौत हुई थी, उस बस के मालिक अंतिम दर्शन में भी शामिल होना उचित नहीं समझा। ग्रामीणों ने बताया कि बस मालिक किसी भी तरीके के ड्राइवर को अपने गाड़ी पर बैठा देते हैं, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। वहीं सीधे के विधायक कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि इस जवान के परिवार को जितने भी जिस भी तरीके से मदद हो सके हम करेंगे, जो भी सरकारी सहायता दिलानी होगी हम दिलाएंगे। सैनिक के अंतिम यात्रा में हरसिद्धि एमएलए कृष्णनंदन पासवान, पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम, जिला परिषद अध्यक्ष पति गप्पू राय, मुखिया भागीरथ कुशवाहा इत्यादि लोग वहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तिरुत लाइव संवाददाता राहुल गिरी की रिपोर्ट। बने रहे तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। कौन हो जो बात नहीं माने, उनके तरफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको पनिशमेंट दिया जाए उसके लिए। आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, पेपर पत्रिका पढ़ते हैं। भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कई नियम लगा चुके हैं और कई नियम हार्ड लगाने वाले हैं, लेकिन पालन तो करना आपको और हमको है। जी जी बिल्कुल है, चालक को पालन करना है, तो पालन नहीं कर रहा है लोग, जिसके चलते यह घटना घटती है। कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो उनको जुर्माना किया जाए या पनिश किया जाए, जिससे उनकी आदत छूटे, ये क्योंकि आए दिन किसी का परिवार उजड़ जा रहा है। देखिए, एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, कोई जान बूझ कर कोई दुर्घटना तो करता नहीं है। जी जी, दुर्घटना होनी है, हो गया। अब जो सामाजिक स्तर पर उसका होना चाहिए, अगर बस के मालिक हैं, ओनर हैं, तो अपने कुछ करेंगे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जवान मित्र की पत्नी को नौकरी मिले, उचित मुआवजा मिले, उनके छोटे दो बच्चे हैं, उन बच्चों का सही ढंग से पढ़ाई लिखाई हो, सरकार व्यवस्था करे, भरण पोषण हो, माँ बाप हैं सबका सरकार वहन करे खर्चा। अच्छा सर, सरकार तो सबके लिए खड़ी है ही, जिनके गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है, उन गाड़ी मालिक का कुछ जिम्मेवारी बनता है या नहीं इस केस में? आप ऐसा सवाल कर गए, ये गाड़ी मालिक तो अपने घर पर बैठे होंगे, ड्राइवर चालक गाड़ी को चला रहा है जी, तो मालिक तो नहीं कहकर भेजे होंगे जो हाँ गाड़ी के एक्सीडेंट कहीं हो जाना है चाहे कुछ है। अरे तो होनी है, हो गया एक्सीडेंट। गाड़ी मालिक को सामाजिक स्तर पर उनके नैतिकता के आधार पर उनका कर्तव्य बनता है कुछ निश्चित तौर पर मुआवजा के रूप में इस परिवार को दे, उनका कर्तव्य बनता है। चलिए।